महानगर के थाना सिविल लाइन अंतर्गत बाके बिहारी मंदिर नवीन नगर निवासीगण सिद्धार्थ मल्होत्रा एवं रवि मल्होत्रा ने आरआर हेल्थ केयर मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर खरे पर कोरोना काल के दौरान उनके पिता की लापरवाही के दौरान मृत्यु हो जाने पर डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग उठाई है। बुधवार को जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा पेश किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके पिता की गत 20 अप्रैल को तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें महानगर के लाइन पर स्थित एक चिकित्सक को दिखाया गया था। बाद में उनका इलाज आरआर हेल्थ केयर मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कराया गया, जहां उनका इलाज डॉक्टर खरे की देखरेख में किया गया था। आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई। डॉक्टर खरे द्वारा उनके पिता की कोरोना जांच कराई गई तो उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव दर्शाई गई, जबकि उन्होंने अपने पिता की जाँच सरकारी अस्पताल में कराई तो उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई, जिससे प्रतीत होता है कि उनके पिता के इलाज में अस्पताल के डॉक्टर खरे की घोर लापरवाही है। दोनों भाइयों का आरोप है कि उनके पिता को जानबूझकर गला घोटकर मारा गया है। उन्होंने अपने पिता का फोटो भी जिलाधिकारी को पेश किया है, जिसमें गले पर पट्टी बंधी हुई है और मुंह से सफेद झाग आ रहे हैं। जिलाधिकारी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में डॉक्टर खरे पर हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग उठाई गई है। मृतक हरीश कुमार मल्होत्रा के पुत्र लवी मल्होत्रा ने प्रार्थना पत्र के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवी मल्होत्रा है। जी कहाँ से आए हैं? मैं नवीन नगर से आया हूँ एमडी से। जी क्या शिकायत है आपकी? शिकायत यह है कि हमने 1 मई को अपने पापा को आरआर हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जिन्होंने जो कि आरआर हॉस्पिटल वालों ने हमारे पापा को सीधा जो है कोरोना वार्ड में डाल दिया बिना कोई कोरोना की जाँच कराए, और उनके साथ जो है उन्होंने लापरवाही बरती। उसके बाद उन्होंने आईसीयू में उन्हें भर्ती कर लिया, आईसीयू में हमें देखने नहीं जाने दिया, और उसके बाद इन लोगों ने गले में पट्टी कस के बांधी और मुंह से उनके झाग आ रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। और इन लोगों ने कोई भी कोरोना की कोई जांच नहीं कराई, ना कोई एंटीजन टेस्ट कराया, ना ही आरटीपीसीआर कोई इन्होंने रिपोर्ट कराई कोरोना की, और अपने सारे पेपरों में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके इलाज के, उन सब में इन्होंने जो है कोरोना पॉजिटिव दिखा दिया है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव। जबकि हमने अपने 30 अप्रैल को कोरोना की सरकारी वाहन पे जांच कराई थी, जिसकी जो रिपोर्ट आई वापस बाद में उनकी डेथ होने के बाद आई। 3 तारीख को उनकी 3 मई को उनकी डेथ हुई और 4 मई को जो है उनकी रिपोर्ट आई, वो नेगेटिव आई थी। और इन लोगों ने बिना ही जांच कराए सब जगह जो है पॉजिटिव लिखा हुआ था। इन्होंने जो है एक मतलब गले में पट्टी कस के बांध के मुँह से झाग आ रहे थे और एक तरीके से उनकी हत्या की है, और इलाज में लापरवाही बरती है, उनको कोई ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया। इस संबंध में हमने जब हमारे पास जो है आरटीपीसीआर की जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो हमने डीके प्रेमी जी से मुलाकात करी थी 5 मई को। उन्होंने इस संबंध में जब सारी रिपोर्टें देखी, सब कुछ देखा, तो इस संबंध में आरआर हॉस्पिटल के डॉक्टर खरे साहब हैं, उनसे बात करी थी। उनसे बात करने के बाद खरे साहब ने यह कहा था कि हमने आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराया और हमसे गलती से ये जो है सारे पेपरों में आरटीपीसीआर पॉजिटिव लिख गया है। अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आपने लिख दिया, कोई टेस्ट नहीं कराया, तो पहली बात तो आपने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी आपने लापरवाही करी, और गले में पट्टी कैसे बांधी थी? गले में पट्टी बांध के उन्हें कस के दबा के उन्हें मारा गया है, वो उनकी सीधी सीधी उन्हें हत्या की। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हम डीएम साहब के पास आए हैं, और भी पहले भी हम जो है काफ़ी जगह कार्रवाई के लिए मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और हम डीएम साहब से ये मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जाँच करा के हॉस्पिटल को सील कराया जाए, हम इसे क्योंकि जिससे कि आगे किसी भी मरीज के साथ इस तरीके की घटना ना घटित हो सके।